this channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks before investing in our predictions please take advice from your financial advisor we are not responsible for any of your profit and losses so चलिए सबसे पहले हम 17 सितंबर 2020 की कॉल्स का रिव्यू कर लेते हैं देखिए मैंने आपको दो कॉल्स जो थी बजाज इलेक्ट्रिक और सेंचुरी टेक्सटाइल जो थी मैंने आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड की थी टी वी एस मोटर और एन एम मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करी तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर हो जाएगा मॉर्निंग में मैं दो कॉल्स वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ तो देखिए आज हमारे किसी के भी SL हिट नहीं हुआ है बाकी अगर आपको हमारा प्लान सब्सक्राइब करना है या फिर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मैं आपको आज के जो भी पेड क्लाइंट्स की कॉल थी वो आपको सेंड कर दूंगा तो चलिए इंटरडे लेवल्स की बात करते हैं 18 सितंबर 2020 की तो सबसे पहले मैंने आपके लिए स्टॉक चुना है वो है किरिन जिसे आप बाय करके चलेंगे 520 का जब लेवल ब्रेकआउट होगा लेवल ब्रेकआउट कैसे होगा 520 पॉइंट जब 10 जब इस लेवल स्टॉक की प्राइस हो जाएगी तब आप इसे बाय कर लेंगे टारगेट रहेगा 522 का 528 534 और स्टॉप लॉस और रहेगा 516 का शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगा फाइव वन फोर का टारगेट रहेगा फाइव वन टू फाइव जीरो सिक्स और फोर नाइन्टी एट का रहेगा आपका फाइव वन एट का अब देखिए जो पहला टारगेट है वो छोटा इसलिए रखा है मैं अभी आपको पहले क्लियर कर देता हूँ तो देखिए जैसे कि ये चार्ट मैंने खोल दिया है ये है आ, हमारा सेंचुरी टेक्सटाइल का तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें इसे शॉर्ट सेल करना था ये जो लाइन थी यहाँ पे हमें इसे शॉर्ट सेल करना था और जैसा मैं कहता हूँ गैप डाउन ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो आप क्या करेंगे वेट करेंगे गैप फिल होने का गैप फिल कैसे होगा ये होल्ड लेगा बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में तो जैसे इसने बाइंग शॉर्ट सेलिंग प्राइस के थोड़ा सा ऊपर जाके होल्ड लिया था एक मिनट का उसके बाद ये नीचे आने लगा अगर आपने इसे सेल किया होगा तो आपको इजीली आपको जो है टारगेट दो टारगेट प्राइस इजीली आपको मिल गए होंगे अब मैं बात कर लेता हूँ पहला टारगेट प्राइज स्मॉल की कि मैं छोटा क्यों देता हूँ तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने टीवीएस मोटर का चार्ट खोल दिया अगर आप कॉल देखेंगे तो मैंने इसे बाय करने के लिए बोला था फोर सिक्सटी फोर पर यानी कि अप्रॉक्स यहाँ पे मैंने इसे बाय करने के लिए बोला था और मेरा पहला टारगेट प्राइस छोटा था वो एग्जैक्टली यहीं पे था मेरा यानी कि फोर 65.50 पे तो ये देखिए पहला टारगेट प्राइस मैंने स्मॉल दिया था अब गैप डाउन ओपन होने के बाद भी इसने हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव कर लिया था क्योंकि ये इतना बूस्टअप हुआ उसके बाद ये डाउन किया शॉर्ट सेलिंग साइड इसने हमारे टारगेट प्राइस अचीव किया इजीली बट बात कर रहा हूं, बाई साइड की बाई साइड का टारगे पहला टारगेट प्राइस स्मॉल था तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट इजिली मिल गया था तो इसलिए मैं पहला टारगेट प्राइस स्मॉल रखता हूँ हमेशा ताकि आप जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट अन कर पाए अगर स्टॉक गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन भी हो आप क्या करेंगे वेट करेंगे अगर गैप अप या फिर गैप डाउन होगा तो होल्ड लेने का जैसा मैंने अभी आपको बताया था किसमें सेंचुरी टेक्सटाइल में कि होल्ड लिया इसने तो गैप डाउन ओपन होने के बाद होल्ड लेगा उसके बाद अगर नीचे आ रहा है तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आने के बाद होल्ड लिया फिर दोबारा ऊपर जा रहा है तब आप उसे बाय करेंगे देखिए ये कंडीशन है अगर गैप अप ओपन होता है बाय के लिए गैप डाउन ओपन होता है शॉर्ट सेल के लिए अगर गैप अप ओपन होता है तो शॉर्ट सेलिंग के लिए कोई कंडीशन नहीं है गैप डाउन ओपन होता है तो बाइंग के लिए कोई कंडीशन नहीं है तो चलिए अगला स्टॉक जो मैंने आपके लिए सुना है वो है राम को कैमैम तो जिसे आप बाय करके चलेंगे सेवन फिफ्टी फोर का जब लेवल ब्रेकआउट होगा टारगेट रहेगा सेवन फिफ्टी सिक्स सेवन सिक्सटी थ्री और सेवन सेवनटी का स्टॉप लॉस रहेगा सेवन फोर्टी नाइन का अब देखिए स्टॉप लॉस में भी एक कंडीशन है जैसे आप बाय एक्जैक्टली सेवन फिफ्टी फोर पर नहीं करेंगे तो स्टॉप लॉस हिट भी एक्जक्टली सेवन फोर्टी नाइन पर नहीं मानेंगे जब सेवन फोर्टी एट पॉइंट नाइन जीरो जब होने लगेगा यानी कि सेवन फोर्टी नाइन से जब नीचे जाने लगेगा स्टॉक तब अपना एसल हिट मान के ट्रेड से बाहर आएंगे शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी आपकी सेवन फोर्टी एट का जब लेवल ब्रेकआउट होगा सेवन फोर्टी एट का लेवल ब्रेकआउट कैसे होगा अपसाइड का तो आपको को पता है डाउन साइड में लेवल ब्रेकआउट होगा 747.90 जब हो जाएगा तब आप इसे शॉर्ट सेल कर देंगे टारगेट रहेगा 746 एज यूजुअल पहला टारगेट प्राइस स्मॉल अगर गैप ऑफ ओपन होने के बाद भी ये पहला टारगेट प्राइस अचीव कर दे इसलिए मैं पहला टारगेट प्राइस स्मॉल रखता हूं दूसरा है 738 और तीसरा है 732 बाकी इसका स्टॉप लॉस हिट कैसे होगा 753 से जब ऊपर जाने लगेगी वैल्यू तब आप अपना स्टॉप लॉस हिट मानेंगे देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा वेबसाइट में जाके भी आप प्लान खरीद सकते हैं और हमारा व्हाट्सअप नंबर पर आप मेरे को कोई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपको आज की जो भी क्लाइंट्स की कॉल थी उनकी डिटेल चाहिए या फिर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा कोई भी क्वेरी हो आप हमसे कर सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा तब मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ